वन प्लस अभी हाल ही में अपने दो नए फ्लैगशिप फ़ोन वन प्लस सेवन और वन प्लस सेवन प्रो को लॉन्च कर चुका है। इसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो क्या वन प्लस अपने टी वेरिएंट वाले फ़ोन वन प्लस सेवन टी को लॉन्च करेगा या फिर वो अपने लेटेस्ट में इंट्रोड्यूस की गई प्रो सीरीज़ को आगे ले जाएगा? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मोबाइल टेक में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वन प्लस सेवन टी आपको देखने को मिलेगा और साथ ही इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और साथ ही ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च होने के चांसेस हैं। तो जिस तरह OnePlus अपने 3T, 5T और 6T फोन्स लाया था, उसी तरह आपको OnePlus7T भी नवंबर दिसंबर के महीने तक देखने को मिल सकता है, जिससे कि वह iPhone, Pixel और साथ ही Samsung जैसी बड़ी कंपनी के फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर दे सके। और अगर बात करें फ़ोन के चेंजेस की, तो इसमें आपको ज़्यादा बड़े चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि OnePlus ज़्यादा बड़े चेंजेस अपने OnePlus8 के लिए बचाकर रखेगा। बात करें इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको शायद से सेम 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जो कि आपको OnePlus7 में देखने को मिला था। इसी के साथ इसमें आपको दो और नए कैमरे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से कि एक टेलीफोटो और दूसरा वाला वाइड एंगल लेंस होगा। और साथ ही इसमें आपको लो लाइट फोटोग्राफी और भी इम्प्रूव देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको पॉपअप वाला कैमरा या तो फिर पंच होल वाला कैमरा देखने को मिल सकता है। बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको OnePlus7 वाला 60 हर्ट्ज़ का फुल HD प्लस ऑप्टिक अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज के लिए काफ़ी अच्छा एक डिस्प्ले हो सकता है। वहीं बात करें प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको पावरफुल स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, एड्रीनो 640 का GPU और साथ ही 6GB और 8GB रैम ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको UFS 3 का स्टोरेज भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी फास्ट स्टोरेज है। और बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिल सकती है, जिससे कि वह Redmi K20 और K20 Pro और साथ ही Realme X जैसे फ़ोन्स के साथ कम्पीट कर सके। वहीं इसमें आपको नेक्स्ट जनरेशन का फास्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है और साथ ही इसमें आपको वॉप टेक्नोलॉजी वाला चार्जर भी देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें 5G की, तो शायद से हो सकता है OnePlus7T में आपको 5G रेडी देखने को मिल जाए, पर यह कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से 5G आपको OnePlus8 ही में देखने को मिलेगा। बात करें इन डिस्प्ले कैमरा की, तो OnePlus7T में आपको कोई भी इन डिस्प्ले कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो इन डिस्प्ले कैमरा आपको OnePlus8 ही में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसमें आपको 6GB, 8GB और 10GB रैम ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और अगर बात करें इस फ़ोन की प्राइसिंग की, तो ये 30,000 to 35,000 के बीच में हो सकती है और ये फ़ोन दिसंबर के महीने में लॉन्च होगा। इसके अलावा इसमें आपको ज़्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि OnePlus अपने ज़्यादा बड़े चेंजेस OnePlus8 में लाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।